हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 14 में अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो भी मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। लॉर्ड कृष्णा सेड टू अर्जुन, देयर इज नो वर्क दैट अफेक्ट्स मी, नॉट डू आई एस्पायर फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। वन हू अंडरस्टैंड्स द ट्रुथ अबाउट मी ऑल्सो डज नॉट बिकम एंटेंगल्ड इन द फ्रूटिव रिएक्शंस ऑफ वर्क। यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे इस भौतिक जगत के कार्य से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं इस भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। इंद्र तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार में कर्म में प्रवृत्त रहती हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान में स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रह जाता। स्वर्ग के देवता भगवान द्वारा नियुक्त सेवक हैं। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप समान व्यक्तियों की तरह कर्म के फल के लिए होते हैं वह निश्चित रूप से कर्म फलों में बंधा रहता है। किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में निश्चित रूप से स्थिर मुख जीव है। तो अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्ण राधे राधे।